हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कस्तूरबा गांधी की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को रूमा देवी ने किया संबोधित। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुआ वर्चुअल कार्यक्रम। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के 125वीं जयंती एवं स्वतंत्रता दिवस की 45वीं वर्षगांठ के आयोजन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कस्तूरबा गांधी की जयंती के अवसर पर गांधी दर्शन व महिला सशक्तिकरण पर राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन आज मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत की अध्यक्षता में VC के माध्यम से प्रातः 11 बजे शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में बाड़मेर के राष्ट्रपति के हाथों नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रूमा देवी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़कर अपना उद्बोधन दिया। रूमा देवी ने महिला उत्थान एवं उन्हें सामाजिक रूप से सशक्तिकरण के प्रयासों पर अपने विचार मुख्यमंत्री के समक्ष सेमिनार में व्यक्त किए। साथ ही उन्होंने कस्तूरबा गांधी के जीवन पर प्रकाश भी डाला। इस कार्यक्रम के बाद रूमा देवी ने कहा कि आज के कार्यक्रम में मुझे राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया और महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास ममता भूपेश, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा, रूमा देवी, इंदिरा महिला पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता आशा बोत्रा, गांधीवादी विचारक सुदर्शन अयंगर भी शामिल रहे। रूमा देवी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में ये कहा, जो गांधी जी का विचारधारा थी उसी हिसाब से हम उन्हीं के पदचिन्हों पर चलना चाहेंगे और मेरी भी सभी से रिक्वेस्ट यही है, सभी महिलाओं से, कि आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें और जो गांधी जी की विचारधारा थी उसको साकार करें। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।